स्टूडेंट्स, पिछले वर्ष सिमेज के स्टूडेंट्स का ग्रुप जयपुर इंडस्ट्रियल विजिट के लिए गया था और जयपुर में 6 दिनों का इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था। जयपुर के साथ साथ नोएडा में भी बिमटेक इंस्टीट्यूट में गए थे और जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा था स्टूडेंट्स का, चूंकि हमने वहां पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उनके फाउंडर्स से हमारी मीटिंग हुई और जो वहां का इनोवेशन बच्चों ने देखा समझा और जो फाउंडर्स के साथ में क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए, वो एक अपने आप में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। और बच्चों से जब मेरी बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि सर, पूरा कोर्स का लर्निंग एक तरफ और ये 6 दिनों का लर्निंग एक तरफ। हमने प्लान किया था जयपुर का 6 दिनों का टूर जो कि लगभग 15,000 रुपीज का हमने कॉस्ट एस्टिमेट किया था, लेकिन वहां पर जो हमने बहुत किफायत की और बहुत कोशिश किया कि कॉस्ट हमारा जो है कम रखा जाए और जिस तरह का पूरा अरेंजमेंट हम कर पाए तो पूरे बच्चों का ट्रिप लगभग 10,200 रुपए में हो गया था और उनको 4,800 कुछ रुपए उनको वापस हो गए थे, जबकि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। तीनों टाइम का फूड हर दिन था और फूड का मेन्यू जो था वो अलग अलग था, बहुत अच्छा मेन्यू था। उसके अलावा जो हर जगह पर हमारा अपना बस था, प्राइवेट बस था, कई जगहों पे हमने प्राइवेट वो जीप व्हीकल्स हर ग्रुप के लिए अलग अलग करी। उसके अलावा खाटू श्याम का एक्स्ट्रा टूर बाद में ऐड हो गया था, वो सब करते हुए भी जयपुर एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस हुआ और उसमें हम लोग 1 दिन 2 दिन घूमने का भी रखते हैं और 3-4 दिन हम लोग लर्निंग का रखे थे। उसी वक्त हमारे मन में प्लान ये बना था कि अब अगला जो हमारा इंडस्ट्रियल विजिट होना चाहिए वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। हमने दुबई को आइडेंटिफाई किया था और दुबई के लिए बच्चों में काफी इंटरेस्ट भी था, कई बच्चे जो है वो उसमें तैयार भी हो गए, लेकिन जब हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे थे उसी वक्त बच्चों के एग्जाम्स आ गए, उस वक्त हो नहीं पाया और फिर वो मतलब वो लोग फाइनल ईयर एग्जाम में आ गए। और अभी जब मैं हांगकांग और चाइना इंडस्ट्रियल विजिट्स पे ही गया था और मैं वहाँ की इंडस्ट्रीज को, एसएमई को, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, आईटी सेक्टर को, रोबोटिक सेक्टर को, वहाँ के ऑफिस इक्विपमेंट सेक्टर को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और लगभग 2 ट्रिप हमारे हुए जो एक एक ट्रिप लगभग 10 दिन का था और इसमें वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ के जो इंडस्ट्रियल कल्चर है, जो वहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो वहाँ का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है, जो सोशियो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, जो कल्चरल डिफरेंसेस है, इन सारे चीजों का एनालिसिस करने का एक मौका मुझे पर्सनली मिला, जिसके बेसिस पर हम चाइना के ग्रोथ को और चाइना के इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। और जो नजरिया आपके पास यहाँ इंडिया में है और जो नजरिया आप दूर से लगा पा रहे हैं और जब आप वहाँ जाके चीजों को देखते हैं आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल बदल जाता है, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है। जो बच्चा अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकला उसका नजरिया, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, उसका आईक्यू अलग होगा, जो शहरों तक आया है उसका अलग होगा, जो दिल्ली या बॉम्बे या बैंगलोर सिटी में रहता है, 1 साल वहां रहा है, उसका नजरिया अलग होगा। और हमने जो भी प्लान आउट किया है ये ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम, हमारा प्रयास होगा कि दुबई में अगर हम करते हैं तो वहां के जो कुछ इंडस्ट्रियल हाईलाइट्स है, वहां के जो कुछ इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हाईलाइट्स है, वहां पर कुछ जो टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो इनोवेशन सेंटर है, या फिर जो हमारा आबू धाबी है वहां पर कुछ इस तरह के हमारे पास, मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट आई हुई है। और जो लोग नॉर्मली दुबई जाते हैं वो इस तरह के दुबई के ग्रोथ स्टोरी को इस एंगल से नहीं देख पाते, वो खाली टूरिस्ट स्पॉट्स में जाते हैं। हम लोग अगर जाएंगे तो हमारा कोशिश होगा कि टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए हम लोग अलग से 1-2 दिन रखें, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स का एस्पेक्ट है, जो बिजनेस एस्पेक्ट्स है और जो टेक्नोलॉजी और साइंस का एस्पेक्ट है, उसके लिए हम बेसिकली फोकस करें, जो कि नॉर्मल टूर में नहीं हो पाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कॉस्ट जो है वो दुबई के पहले से बढ़ गए हैं और इंटरनेट पर अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको दुबई का पैकेज जो है वो बहुत सस्ता दिखा देगा कोई कोई वेबसाइट पर, लेकिन जब आप उस पर कॉल करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें वीजा का कॉस्ट शामिल नहीं है, ज्यादातर में ट्रैवल का टिकट का कॉस्ट शामिल नहीं होगा। और जैसे ही आप उनको बोलेंगे कि मुझे टिकट के कॉस्ट के साथ में, ट्रैवल के कॉस्ट के साथ में और वीजा के कॉस्ट के साथ में आप प्लान बताइए, तो उनका प्लान जो है वो बहुत महंगा हो जाता है और आपको 70-80 हजार से कम में 6 दिन का प्लान नहीं मिलेगा। आई डोंट नो कि हमारा प्लान 6 दिन का होगा या 5 नाइट 6 डेज का होगा या 4 नाइट 5 डेज का होगा, बिकॉज ये आइटिनरी अभी बड़ी नहीं है, वी विल प्लान। लेकिन ये जो प्लानिंग हमारे यहाँ पे होती है, प्लानिंग जो है वो मैं अकेले नहीं करता हूँ, स्टूडेंट्स को करना होता है, उनको अलग अलग कंपनियों में, ट्रैवल कंपनियों में, एयरलाइंस में, सब जगह पता करना होता है कि कॉस्ट क्या आ रहा है। और मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट जो भी कॉस्ट ला रहे हैं उससे भी सस्ता कॉस्ट में हम लोग चीजों को करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास करके बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे भी अपने लाइफ में ये मेमोरेबल एक्सपीरियंस ले सकें। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारी कॉस्टिंग जयपुर के लिए 15,000 की हुई थी, लेकिन हम लोगों का जो पूरा
का काम है वो 10,200 रुपए में हो गया था और सारे बच्चों को 4,800 रुपए वापस हो गए थे। उसी तरीके से जब हम लोग बनारस गए थे अभी बीएचयू के वर्कशॉप्स के लिए, तो वहाँ पे वर्कशॉप्स का कॉस्ट और सारा कॉस्ट जो है 3 दिन का वर्कशॉप्स हुए दिए थे, उसके अलावा रहना खाना आना जाना और फिर बनारस का घूमना और बोट में वहाँ पर जो मतलब लैविश आप लोग वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर किस तरह का बनारस का एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो सारा कुछ जो है हमने जो प्लान आउट कॉस्ट किया था उससे कम में वो हो गया और बच्चों को कुछ पैसे वापस हुए थे। आई डोंट नो दुबई का जो हमने प्लान किया है, दुबई में वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग हांगकांग इंक्लूडिंग चाइना अगर पॉसिबल हुआ तो, बट कॉस्ट बढ़ जाएगा चाइना जैसे हम ऐड करेंगे बिकॉज ट्रैवल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। हांगकांग जाना फिर भी पॉसिबल है, हांगकांग इज ऑल्सो ए ग्रेट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन, बहुत डेवलप्ड है हांगकांग। और अगर मैं बात करूँ मलेशिया का जो हमारे लिए एक ऑप्शन है वो भी बहुत डेवलप्ड है, और जो अजरबैजान एक ऑप्शन है जिसको हम लोग सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज अजरबैजान जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है लेकिन साथ ही वो एक इंडस्ट्रियली और ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ही वाइब्रेंट ऑप्शन है। इट्स अ डेवलप्ड सिटी है उसका, जो एक वो विकसित शहर है अजरबैजान, बाकू वगैरह जो है वहाँ पे बहुत डेवलप्ड है। तो ये सब ऑप्शंस हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ बच्चों का ग्रुप जो है वो एक डेस्टिनेशन पे जाएगा और दूसरे बच्चों का ग्रुप जो है वो दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएगा, लेकिन किसी भी डेस्टिनेशन के लिए हम लोग 45 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लान नहीं कर सकते हैं। 45 इज द मैक्सिमम लिमिट क्योंकि बसेस में ट्रैवल करने के लिए उससे ज्यादा की संख्या जो है वो सुटेबल नहीं होती है। हो सकता है हम लोग उससे कम की संख्या को ही हम लोग क्लोज करें क्योंकि बहुत सारे बड़े बसेस जो है वो हर जगह फिजिबल नहीं हो पाते हैं, बट स्टिल 45 का फिगर हम लोग अभी लेके चल रहे हैं। और एक हमने एक कॉस्टिंग किया है जिसमें कि 55,000 रुपीज का कॉस्ट उसका इंटेल कर रहे हैं। ये 55,000 रुपीज का जो कॉस्ट है ये बच्चे वन टाइम ऑप्शन प्लान में भी ले सकते हैं या एनुअल जो फी पेमेंट प्लान है उसमें भी ले सकते हैं। जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वहां पर इसका ऑप्शन नहीं होगा। और जब हम वन टाइम में लेते हैं तो बच्चों के पास ऑप्शन ये होगा कि वो फीस पे करने के बाद अगर फर्स्ट ईयर में ट्रिप प्लान आउट होगी तो वो फर्स्ट ईयर वाली ट्रिप के ही प्लान पार्ट बन जाएंगे। अगर हमारे पास सफिशियंट स्टूडेंट्स वन टाइम वाले हो जाते हैं जो दुबई ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में ही उन बच्चों को ये मौका मिल जाएगा कि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर को गेन कर सके, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये एडवांटेज मिलेगा जो वन टाइम ऑप्शन प्लान में ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम को लेंगे दुबई के लिए। और जो एनुअल फी पेमेंट प्लान है उसमें जो बच्चे आएंगे उनको सेकेंड ईयर तक अपना ये ग्लोबल इमर्शन का फीस दे देना है, थर्ड ईयर का वेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि थर्ड ईयर में उनको फाइनल ईयर की आपाधापी के बीच में उनका फॉरेन टूर कराया जा सके, इसलिए सेकेंड ईयर तक क्लियर कर देना होगा वो अमाउंट। वो उनके फी प्लान में इस तरह से जुड़ा गया है कि सेकेंड ईयर का जब उनका फी क्लियर हो जाता है तब वो ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम के लिए जा पाएंगे और उनका फिर सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर के बीच में कभी भी ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम हो जाएगा। इन केस अगर ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम किसी स्टूडेंट्स का नहीं हो पाएगा, उसके मना करने पर नहीं, अगर कॉलेज उसको डिसअलाउ करता है, अगर कॉलेज नहीं ले जाता है या कॉलेज का ट्रिप नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में जो 55,000 रुपीज का अमाउंट इसके लिए चार्ज किया गया है ये अमाउंट बच्चे को रिफंड हो जाएगा या फीस में एडजस्ट हो जाएगा, ओनली इन केस अगर कॉलेज मना करता है। और ये अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है और मुझे लगता है कि अभी जो बच्चे इसको अगर चूज करो पे नहीं कर रहा है और बाद में अगर वो चाहेगा कि इसको चूज करे तो ये विकल्प हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग से डे वन से हमें चाहिए कितने स्टूडेंट्स हैं। और अगर बाद में हम किसी स्टूडेंट के लिए ऑप्शन अगर लाएंगे भी तो उस समय हम मिनिमम 15,000 रुपीज का एक प्रोसेसिंग चार्ज लगाएंगे क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो सिस्टम रहा है हम लोग यूजुअली जो टीचर्स जाते हैं साथ में उनका कॉस्टिंग बच्चों पे नहीं डालते हैं क्योंकि पैन इंडिया नहीं पैन ग्लोबली इंडिया में जितने भी स्कूल है जितने भी कॉलेज है वहां पर कभी भी लोकल या ग्लोबल एक्सकर्शन अगर होता है तो जो टीचर्स जाते हैं उनका कॉस्ट, जो गाइड जाते हैं उनका ट्रैवल उनका स्टे सारा कुछ का उनका खाना पीना सारा कुछ का कॉस्ट बच्चों के कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम आपको लगता है हम अकेले संस्थान है जो आज तक मुझे ट्रैवल एजेंट्स जो है वो आश्चर्य करते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, अभी तक नहीं किए हैं। अगर भविष्य में करना होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा, वो विकल्प मेरे पास है, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। तो लेकिन अगर हम जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़ेंगे तो उनके केस में हम 15,000 रुपीज का मिनिमम चार्ज इसलिए लगाएंगे एक्स्ट्रा क्योंकि फिर उससे हमारे जो टीचर्स जो जाएंगे उनका कॉस्ट जो है थोड़ा रिवर्स होगा। इसलिए फायदेमंद ये है कि जो स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपीरियंस ग्लोबल इमर्शन का सर्टिफिकेट लेना है वो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन के वक्त ही ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम को ऑप्ट कर लें। जितनी फीस कम हुई है वो काफी ज्यादा कम हुई भी है और जो ये ग्लोबल इमर्शन का कॉस्ट 55,000 बताया जा रहा है ये बहुत कम है। हाँ, यहाँ पर यह भी मैं क्लियर कर दूं कि 55,000 का एस्टिमेशन हमने किया है अभी, कुछ कॉस्ट इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो शामिल नहीं हो जो कि भविष्य में आपको इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और वैसे भी हम जब जयपुर बच्चों को ले गए थे तो भी सबको सख्त हिदायत दिए थे कि कम से कम 10,000 रुपए अपने पास रखोगे। किसी भी तरह का एक्सीडेंसी होता है, हमें फ्लाइट चेंज करनी पड़ती है, ट्रेन छूट जाती है, हमें कुछ कॉस्ट आ जाता है, तो वैसी स्थिति में तुम्हारे पास एक फंड होना चाहिए। तो जब हम ग्लोबल ट्रिप की बात
बात करेंगे, जो भी आपका एक्सपेंस होता है आपको 25% एक्स्ट्रा दिमाग में लेके चलना होता है। तो 25% का एक्स्ट्रा आपको कंटिजेंसी रखना होगा जो आपसे अभी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में आपका जो पूरा प्लान बनता है, आइटनरी बनता है, अब अगर आप चाहते हैं कि हम बुर्ज खलीफा में जाएं, हम साइंस म्यूजियम में जाएं, हम डेजर्ट में जाएंगे, हम जो शिप में जाएंगे, तो आप जितना तरह का अपना फीचर्स ऐड करेंगे कॉस्ट बढ़ता है। और सारे बच्चे खुद ही कॉस्टिंग कर लेते हैं, पता करते हैं कि क्या कॉस्ट कहाँ पे आता है, किस तरह के अकोमोडेशन में रहते हैं उसके हिसाब से कॉस्ट का अंतर आता है। अब जयपुर में हम लोग चौकीडानी में गए तो 900 प्लस जीएसटी जो है वो सिर्फ चौकीडानी का एक रात का आया, लेकिन बच्चे मानते हैं कि सर वो मतलब उनका मोस्ट मेमोरेबल नाइट डिनर था, हुआ नाइट आउट था। तो इस तरह से जब आप दुबई जाएंगे तो वहां पर भी कोई इस तरह का कोई एक लैविश डिनर होगा जो कि उनके लिए बहुत मेमोरेबल हो जाएगा। तो कॉस्टिंग जो है वो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़ता है। तो इसलिए ये अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा तो वो आपको फंड अपने पास आपको रखना होगा जो आपको पूलिंग करना पड़ेगा। और अगर कॉस्ट बचता है तो आपने देखा है पीछे मैंने बताया कॉस्ट हमेशा वापस किया गया है। जब हम एक बार जलगांव ले गए थे बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट में, और जलगांव में हमने कॉस्टिंग की थी मात्र 5000 रुपीस के उस जमाने में, क्योंकि हम उसमें स्लीपर क्लास से ले गए थे, बाद में हम लोग एसी थ्री टायर से ले गए और अब फ्लाइट की बात हो रही है। तो उस वक्त जो हम लोगों ने वहां पर जिस तरह का अकोमोडेशन अचीव किया था, फ्री में अकोमोडेशन था, फ्री में फूड था, तो बच्चों को वहां पर एक मतलब आउटिंग पार्टी और मूवी के साथ में वहां पर जो है बहुत थॉरल इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था। वहां पर एग्री बिजनेस, एशिया बिगेस्ट प्लास्टिक सिटी, वो सारा कुछ करते हुए हमको लगता है 3800 के आसपास बच्चों का कॉस्ट आया था। उनको उस वक्त भी 5000 भी पैसा वापस हो गया था। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को फंड कुछ वापस हो जाए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो उसकी भी तैयारी बच्चों को रखनी होगी। तो ये ऑप्शन है, इसमें दुबई, हांगकांग और मलेशिया और अजरबैजान, ये चार ऑप्शन को हम लेके चल रहा हूं। तो ये तुम्हारे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। और जो स्टूडेंट एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं वो भी अगले दो दिनों तक, कल तक, ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम को विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करा सकते हैं। और जो स्टूडेंट एडमिशन अभी लेने वाले हैं आज या कल में, इधरी भी वो लोग ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम को ऐड कर ले, उससे उनके एक्सपीरियंस में, नॉलेज में, सर्टिफिकेशन में और उनके अंडरस्टैंडिंग में और एक लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस में। मैं आपको बताऊं, जब भी ट्रिप जाने वाला होगा ना, जिस स्टूडेंट ने ऐड नहीं करवाया है उसको बहुत बहुत तकलीफ होने वाली है। वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा कि जब मेरे दोस्त जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। इसलिए अभी से ऐड करा लेने में फायदा है, और आपके पेरेंट्स जरूर आपकी बात से एग्री करेंगे। और अभी ऐड कराना इजी है, बाद में ऐड करवाना पेरेंट्स का अनुमति लेने में आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए चूंकि आपको अभी स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो वो स्कॉलरशिप जो मिल रही है वो आपने ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम के लिए बुक कर लिया। तो ऑब्वियसली इसमें जितना पैसा जो आपका कॉलेज से फंड जो भी लिया जा रहा है वो टोटल आप खुद देखोगे कि वो सारा कुछ कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। और जब भी कोई खर्च होता है वो सबके ऊपर होता है। और ये बहुत हमारे रूल्स बने हुए हैं कि जब ट्रिप पे जाते हैं तो क्या सिस्टम होता है, तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। चलो, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि सिमेज के जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो बीसीए के हों, बीसीआईटी के हों, चाहे वो बीबीए के हों, बीबीएम के हों, पीजीडीएम के हों, बीकॉम के हों, उनको इस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को जरूर से बुक करना चाहिए। कॉलेज ट्रिप को आप बाद में चाह करके भी आप कितनी बार भी चले जाओ, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो एंजॉयमेंट, वो लर्निंग आपको मिल सकती है।